बीएससी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट, ज्वाइन नाउ, गेट गुड मार्क्स इन 2020, सब्सक्राइब नाउ। यह बीएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट सेकेंड है। इसके पहले हमने आपको डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस के बारे में बताया था, अब हम पढ़ेंगे इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो चलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए पॉइंट पे आते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर इनका पूरा नाम इरविन श्रोडिंगर था है। इरविन श्रोडिंगर गिव ए सिंपल आइडिया दैट इज, श्रोडिंगर इरविन श्रोडिंगर ने एक सिंपल आइडिया दिया, द इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए वेव, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका व्यवहार वेव की तरह होता है, तरंग की तरह। इलेक्ट्रॉन का व्यवहार तरंग की तरह होता है। ही पॉइंटेड आउट क्लासिकल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, इसके लिए उन्होंने एक क्लासिकल वेव मोशन का इक्वेशन दिया जो है डी टू अपॉन डी एक्स टू साई प्लस डी डी डेल टू अपॉन डी एक्स वाई टू साई प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू साई प्लस एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच और ई माइनस भी इंटू साई इक्वल टू जीरो। इसके लिए श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दिया इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए, वेव के मोशन के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया। देखिए जहाँ वेयर साई वेव फंक्शन है और ई टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और मास, मास किसका मास, जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास, और पोटेंशियल एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी और भी देखिए यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी और यच जो है प्लैंक कांस्टेंट है। अब हम इसके लिए ये डेरिवेशन डिराइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए। ये वाला हम आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे कैसे आया। देखिए डेरिवेशन, कंसीडर ए स्टेशनरी वेव इक्वेशन, आपने इस इक्वेशन को कक्षा 12 में पढ़ा होगा स्टेशनरी वेव इक्वेशन के लिए। साई बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा, इसको समीकरण एक बना लेंगे। और हमने आपको बता दिया है कि यह साई जो होता है वेव फंक्शन होता है और लेमडा वेवलेंथ है और ए जो है एम्पलीट्यूड है, आयाम, तरंग का आयाम, और यक्स जो डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस है। चलिए हम आपको इसका डेरिवेशन डिराइव करते हैं। देखिए यह एक वेव है और इसका जो वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक लेमडा है, यह ए आयाम है यानी एम्पलीट्यूड और यह समय है। अब हम उस जो फर्स्ट इक्वेशन था उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल साइन अपान डेल एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एक्स आएगा। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू ए टू पाई एक्स है कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, और साइन है साइन का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कास टू पाई यक्स अपान लेमडा, इसको समीकरण नंबर दो। अब हम इसी इक्वेशन को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर लिखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग अ
अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू, यही वाला देखिए। अब करेंगे तो डेल टू साइन अपान डेल एक्स टू। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम आगे लिख लेते हैं ए टू पाई अपान लेमडा। फिर जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, तो यह इतनी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको पहले लिख लेंगे टू पाई एक्स अपान लेमडा को हम पहले लिख लेंगे टू पाई एक्स अपान लेमडा को हम पहले लिख देंगे यहाँ पर इनटू। अब हम कास का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कास का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन होता है, आप लिख लीजिए कास का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन होता है। तब आप यहाँ पर माइनस साइन और टू पाई यक्स अपान लेमडा लिखेंगे। अब करेंगे कुछ नहीं, अब केवल इसी को देखिए थोड़ा सुधार देंगे, सही कर देंगे। यह देखिए ए ए है तो ए लिखिए यहाँ पर, ए ए लिख दिया हमने टू पाई इंटू टू पाई। देखिए यह एक्स नहीं रहेगा क्योंकि यक्स तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यह टू पाई क्यों रहेगा, टू पाई और टू पाई का गुणा जाएगा तो हमको मिलेगा फोर पाई अपान लेमडा स्क्वायर, इसका गुणा कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस साइन है तो इस माइनस चिन्ह को हम आगे कर देते हैं, यहाँ पर साइन टू पाई यक्स अपान लेमडा। लेमडा यदि हम इस ए को यहाँ से काट कर यहाँ लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर डेल टू अपान डेल एक्स टू साइन, इसके बाद यह माइनस चिन्ह लिखेंगे फोर पाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ दो पाई तो पाई का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लेमडा का स्क्वायर। देखिए ए साइन टू पाई एक्स बराबर, हमने आपको समीकरण पहले में ए साइन टू पाई यक्स अपान लेमडा बराबर इतना बताया था, तो इतना की जगह हम साइन लिख सकते हैं, तो साइन लिख दीजिए साइन इक्वल टू क्यों डालने दीजिए भाई इक्वल टू। अब इसके बाद हम करेंगे डेल टू साइन अपान डेल एक्स, यह इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का फोर पाई स्क्वायर लेमडा टू साइन इक्वल टू जीरो। इसको समीकरण नंबर आप दो बनाए थे, इसको समीकरण नंबर तीन बना लीजिए। समीकरण नंबर तीन, अब वी नो दैट मतलब हम जानते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर लेमडा बराबर एच अपान एम भी होता है, एच अपान एम भी होता है। तो यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो यह भी स्क्वायर में आ जाएंगे, तो इसी इक्वेशन को आगे लिखिए। यदि हम डेल का इस लेमडा का स्क्वायर कर दें तो यह एच भी स्क्वायर हो जाएगा और यह एम भी स्क्वायर हो जाएगा, भी स्क्वायर में आ जाएगा।
अब यही लेमडा की वैल्यू देखिए हम यहाँ रख देंगे, लेमडा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा स्क्वायर इन इक्वेशन 3, वी गेट। अब देखिए डेल साई अपान डेल एक्स टू प्लस 4 पाई स्क्वायर, यहाँ लेमडा की जगह, अब हम लेमडा की जगह देखिए लेमडा स्क्वायर की जगह हम यच स्क्वायर अपान यम स्क्वायर वी स्क्वायर, साई को साई और जीरो को जीरो। इसको समीकरण नंबर बना लीजिए 4, समीकरण नंबर 4। अगला देखिए, अब इसके बाद टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो ई बराबर टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी के ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी को हम पी ई से लिखते हैं। तो देखिए टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर होती है और पोटेंशियल एनर्जी प्लस भी, पोटेंशियल एनर्जी को हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हाफ एम भी स्क्वायर और यह ई इस साइड चला आएगा तो ई माइनस भी। तो इसके बाद अगला स्टेप देखिए, यह एम भी स्क्वायर है, यह टू इधर चला आएगा तो इधर यह भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा तो टू ई माइनस भी। अब इसके बाद देखिए यह भी स्क्वायर है, यह यहाँ पर यम गुणा है, जब इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। देखिए अब हम इस वैल्यू भी स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 4 में रख देंगे। आप देखे होंगे समीकरण 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ भी स्क्वायर इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन था आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इक्वेशन 4 में हम भी की वैल्यू यहीं पर रख देंगे भी स्क्वायर। देखिए अब यही पुटिंग द वैल्यू ऑफ भी स्क्वायर इन इक्वेशन 4, अब हम इक्वेशन 4 में वैल्यू रख देंगे तब देखिए हमारा क्या होगा, तब आ जाएगा डेल 2 साई अपान डेल एक्स टू प्लस 4 पाई स्क्वायर अपान यहाँ पर यच अपान, समीकरण 4 में जब रखेंगे तो यच स्क्वायर बराबर यम स्क्वायर और यहाँ भी है तो भी के बराबर जगह हम 2 गुड़े भी की वैल्यू यही है तो भी की जगह हम 2 गुड़े ई माइनस भी लिखेंगे, अपान यम है तो यम, एक यम से एक यम कैंसिल हो गया और देखिए यह ऊपर चला जाएगा तो डेल 2 साई अपान डेल एक्स 2 प्लस, जब यह सबसे ऊपर चला जाएगा लिख लीजिए 4 स्क्वायर
और यह जो सबसे नीचे है यह सबसे ऊपर चला जाएगा, तो टू ई माइनस भी अपान यह एच है तो एच स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए यह डेल टू को डेल टू लिखिए साई अपान डेल एक्स टू, यह चार दूनी आठ प्लस आठ पाई स्क्वायर को पाई लिखिए अपान एच स्क्वायर ई माइनस भी। देखिए हम लोग कुछ भूल रहे हैं, इसके साथ साई भी था तो साई आप यहाँ पर लगाते जाइए, इक्वल टू जीरो था जीरो भी लगाते जाइए, तो ई माइनस भी साई इक्वल टू जीरो, यह एक इक्वेशन हमको जो है प्राप्त हो गया। इसको समीकरण नंबर 5 बनाइए, दिस इज नोन, दिस इज आप इसी समीकरण को लिखेंगे दिस, दिस इज श्रोडिंगर, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। हम लोगों ने अभी इसको, ये वन डायमेंशनल इक्वेशन है, हम लोग अभी केवल एक्सेस के लिए इसको डिराइव किए हैं, इसी तरह हम वाई एक्सिस के लिए डिराइव करेंगे तो कुछ नहीं, केवल जहाँ जितना हमने डिराइव किया है सेम वैसे ही करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ केवल वाई लिखेंगे, तो आपको करना कुछ नहीं, केवल आप वाई एक्सिस लिखकर डेल टू साइन वाई टू, जहाँ एक्स है आप वहाँ वाई लिख देंगे प्लस आठ पाई स्क्वायर, तो आप आठ पाई स्क्वायर एच स्क्वायर ई माइनस भी स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो, इसको समीकरण आप 6 बना लीजिए। इसी तरह जेड एक्स एक्सेस के लिए, जेड एक्सेस के लिए आप जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ एक जेड कर लेंगे, डेल टू साई अपान डेल जेड टू प्लस आठ पाई स्क्वायर एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इक्वल टू जीरो, इसको समीकरण 7 बना लीजिए। अब फ्राम समीकरण, फ्राम इक्वेशन 5 एंड 6 एंड 7 वी गेट, देखिए हमको क्या मिला। यदि हम इक्वेशन 5, 6, 7 को मिला दें तब हमको मिलेगा डेल टू साई अपान डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई अपान डेल एक्स वाई टू प्लस डेल टू साई अपान डेल जेड टू प्लस आठ पाई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर यहाँ पर इंटू ई माइनस भी साई इक्वल टू जीरो, यह हमारा फाइनल इक्वेशन है। यह एक नंबर में भी आपके एग्जाम में बीएससी के पूछा जाता है। दिस इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दिस इज श्रोडिंगर, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल, तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में आपको एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। देखिए आप इसी समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हैं, करना कुछ नहीं, केवल डेल स्क्वायर लगाकर यहाँ से यहाँ की वैल्यू आप डेल स्क्वायर बराबर लिख देंगे और बाकी यहाँ से यहाँ तक सेम है।
केवल डेल टू का बता दे रहे हैं आपको, डेल टू अपान डेल एक्स टू डेल टू अपान वाई टू स्क्वायर डेल टू अपान डेल जेड टू इतने के बराबर होता है आपका डेल स्क्वायर। तो हम इतने की जगह इतना रख दिया और साई की जगह साई है। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।